ये तो मेरा नाम है उमेश लगी नहीं तो और कोई तो साधारण या जैसी भरोसा का टीम ये था और जमा इच्छा की तो पूरा लगा को पश्चिम से आक्रमण तो भी आर नोड़े पश्चिम को पूरा लगा और कोई तो गोल लगी को पूर्व को ये जान की पूर्व जाने को न को तो महेशपुर टीम सेकंड हाफ या दोबारा सारे के ना बहन शॉट लगी जगह माँ को बहन खिलाड़ी को आलोक लगी का जगह बिना गया अनुप अड़ी मौज बॉल क्रॉस करा मैन का तो उड़ी आ गई क्या कमाल दिखाएंगे टीम के लिए एक नेट की मामला हो सकता है डायरेक्ट हिट के पास लेकिन अल्लाह जरूर होगा हुई जगह बिना दो दो बार हो सकता है सबसे पहले देख खिलाड़ी विक्रम गेंद को हमने कब्जे में करने के बाद शूट में रखा बड़ा शूट में रूबीलाल चंचौरिया ने परमन सूटा लड़ा बड़े चीज यहां के पोजीशन से खेलने वाले विजय के सेंटर में अब देखते हैं विजय के नाम यहां पर तो आकर ऊपर आ रहा है डायरेक्ट हरि सला बाबा परम तो है ना क्रॉस लगाया था दो खिलाड़ी पर को टच करने के लिए वहां मौजूद नहीं थे अजय ने यहां पर टच किया क्रॉस का वहां विजय को लगा और यहां पर बाल से खतरा चलता हुआ दोनों की टीम के लिए डरना सवाल है यहां पर कुछ ना कुछ दोनों टीम के खिलाड़ियों को नए रणनीति बनाना होगा नगर उस खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा एक सुनहरा मौका हो सकता है आप किस तरह से शॉट लगाते हैं और नीचा शॉट लगाए यहाँ पर एक बार किस मौका हो सकता है जरूर बॉल के लिए वहां अटेम्प्ट के लिए आगे आगे और अगर मार भी मिलेगा तो फिर आप कानूनन यहाँ कमिटी की तरफ से आपको संग करवाई आपके ऊपर किया जाएगा जर्सी नंबर 10 ये भी है जमा स्टार टीम से क्वार्टर पे है तीन हुई है गोलकीपर और पप्पी पुनारे तो उसके इस टीम का पहला गोल इस खिलाड़ी के नाम एक रिकॉर्ड है उद्घाटन गोल लगने वाले पप्पी और इस तरह से एक एक शॉट दोनों तरफ से हो चुका है और इस तरह से सेकंड शॉट के लिए खिलाड़ी आते हुए महेशपुर की तरफ से संथाल परगना आदिवासी सहयोग समिति महेशपुर की टीम की तरफ से इस सेकंड शॉट के लिए आए हैं इस समय जर्सी नंबर 8 विजय सोरेन और गोलकीपर बचाने के लिए है बिट्टू किशु और दो खिलाड़ी अभी तक शॉट ले चुके हैं और दो गोल अभी तक महेशपुर की तरफ से और इस बार मैं देख रहा हूँ उमेश परंडी जाते हुए और दूसरे स्थान पर महेशपुर के विरुद्ध गोलकीपर मुकेश के विरुद्ध में उमेश शॉट खेल ले लेते हैं नवाल करते हैं
जरूर गोलकीपर ने जज कर दिया था, लेकिन जिस तरह से थोड़ा सा टाइमिंग नहीं मिला पाया और सेम डायरेक्शन में जिस तरह से डाइव लगाया था गोलकीपर मुकेश ने, लेकिन गोल में तब्दील होती हुई और दोनों टीम अभी भी इस मुकाबले में बराबरी पर। दो दो खिलाड़ी दोनों तरफ से शॉट ले चुके हैं और अब तीसरे प्लेयर शॉट के लिए महेशपुर की तरफ से खिलाड़ी महेशपुर लगावा बना टीम गोलकीपर।